प्रदेश भर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में एक बार फिर से जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और साथ ही जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये घटना ब्रह्मपुरी थाना इलाके की है, जहां सड़क किनारे नाले में बदहवास अवस्था में एक महिला पड़ी मिली। पीड़िता ने अपने बयान में किशन मीणा पर बलात्कार करने और मनोहर मीणा पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। सूत्रों की अगर माने तो आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता के गले पर चाकू से वार किया और एक बार फिर पीड़िता को नाले में फेंक कर वहां से फरार हो गए। वही राजधानी में हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।